नमस्कार, स्वागत है आपका आईडीडी न्यूज में। मैं अपर्णा। झारखंड के सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव में झारखंड ने बनाया नया रिकॉर्ड। छऊ के 5,000 कलाकारों ने 20 मिनट तक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि पहला दिन महिलाओं को समर्पित है। जहां महिलाएं होती हैं, वहीं देवताओं का वास होता है। इस कार्यक्रम में जो नया रिकॉर्ड बना है वह यह है कि अब तक किसी भी सरकारी सामूहिक कार्यक्रम में 5,000 नृत्य कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति नहीं दी थी। बोकारो के सेक्टर 9 हरला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचौरा बस्ती के लोगों ने BSL द्वारा उसकी जमीन पर जबरन पाइपलाइन का काम किए जाने का विरोध करते हुए काम को बंद करा दिया। सैकड़ों की संख्या में विस्थापितों ने बोकारो सेल प्रबंधन के द्वारा पाइपलाइन के कार्य को बंद कराते हुए नियोजन और मुआवजे की मांग की और कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम इस काम को नहीं होने देंगे। प्रबंधन और जिला प्रशासन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई थी, लेकिन वार्ता विफल हो गई और बिना किसी निष्कर्ष के फिर से पाइपलाइन का कार्य शुरू कर दिया गया। फिलहाल मामला न्यायालय के अंतर्गत चल रहा है। जिला व पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचकर विस्थापितों से वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। चासीओ दिलीप कुमार ने बताया कि फिलहाल अभी काम को बंद कराया गया है, जिस पर विस्थापितों से वार्ता चल रही है और जो उचित कार्रवाई होगी जिला प्रशासन वही। आज ही पोचोरा के जमीन में पोचोरा ग्रामवासी का रेतिक जगह है जिसमें BSL जबरन काम कर रही है। इसके लिए हम लोग उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए हैं, जिसका केस नंबर 3620/2020 है। और उसके बाद हम लोग को एक बार SDO साहब, DC साहब, SP साहब, मैंने DSP साहब, मुख्यालय CT और मेरे 9 थाना प्रभारी, इन लोग सब बैठल थे। उसमें हम लोग को बोला गया कि आप अपना जमीन का दिखाइए पेपर। सेल में भी दिखाया कि किस प्लॉट में काम कर रहे हैं और हम लोग भी दिखाएं कि ये प्लॉट हमारा पेमेंट नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग कोर्ट याचिका दायर किए थे, तो DC सर का सब निर्देश था उस दिन कि नहीं तो मैंने जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम काम नहीं करेंगे, आज के बाद वहाँ काम नहीं होगा। और आज हम पुनः देख रहे हैं कि फिर दोबारा जबरन काम हो रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा यहाँ पोचोरा का ग्रामवासी का, और ये काम बंद रहेगा जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा, काम नहीं चलने दिया जाएगा। आप कोर्ट का आदेश लेके आइए कि काम चालू होगा। आपका अगर जमीन अगर है तो दिखाए, हमारा सब सरकार नहीं दिखा पा रही है। पता क्या हुआ, हम खेती बाड़ी करेंगे, अपना खाएंगे, चुपचाप रहेंगे, हम आपसे कोई इतरे नहीं है। अगर लिए हैं जमीन तो हमको पूरा पुख्ता पेपर लेकर आइए। आज हम लोग भी ग्रामवासी बैठे हुए हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि पेमेंट लिया है कि नहीं। हाँ, मैं वो चीज़ दिखाऊंगा, बहुत जल्द दिखाऊंगा जो मेरे पास पोचोरा का पेमेंट नहीं हुआ है। और जिला प्रशासन सहयोग करे, हम उसके लिए हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि पेपर नहीं है। अगर सेल के पास पेपर है, अगर यदि DPLR के पास पेपर है तो ओपन करें, आइए जमीन में, हम स्वागत, हम सट हट जाएंगे। हम लोग दौर पे है, हम लोग जो है अभी अपने उच्च पदाधिकारियों को भी इस वार्ता से अवगत कराएंगे और कोई ना कोई रास्ता जो है बातचीत से ही निकलता है। किसी भी तरह से कोई भी ज़बरदस्ती करने के पक्ष में प्रशासन नहीं है। एक सम्मानजनक तरीके से इसका एक अच्छा रास्ता निकले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो है जनता से जो बातें आई हैं सामने, वो हम लोग अपने ऊपर के पदाधिकारियों को रखेंगे और जो डायरेक्शन मिलेगा उस डायरेक्शन के आधार पर आगे बढ़ेंगे। जब तक जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बनता है तब तक तो काम बंद स्थिति में है अभी भी, है ना। बातचीत करके कोई रास्ता निकाल के आगे हम लोग बढ़ेंगे। बोकारो के रेसिडेंट्स के लिए ये जो एसोसिएशन है वो काफी हेल्पफुल होगा। बोकारो के बारी कोऑपरेटिव कॉलोनी में संजीवनी नेत्रालय और ब्रह्मानंद नारायणा के सहयोग से अब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुलभ करा दी गई है। बोकारो के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी HK मिश्रा ने कहा कि बहुत जल्दी सदर अस्पताल और इस हायर सेंटर के साथ MAU कराकर आम लोगों को स्वास्थ्य का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। एसोसिएशन का एक ही मोटिव है, पेशेंट को बेटर सर्विस देना। हम लोग आई में एक सुपर स्पेशलिस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, बट हम लोग वही चाहते हैं कि बाकी डिपार्टमेंट लाइक कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, ये सब ऑर्थोपेडिशियन में भी एक सुपर स्पेशलाइजेशन सर्विस प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे OPD स्टार्ट होने से एक बेटर सर्विस उनको मिलेगी और OPD कंसल्टेशन में स्टार्ट हम लोग 1 महीने में एक बार से कर रहे हैं, बट डाउन द टाइम जैसे जैसे पेशेंट पूल बढ़ेंगे, पेशेंट की नीड बढ़ेगी तो उसको और बढ़ाया जाएगा। अभी तक
जैसा कि आप जानते हैं कि संजीव नेत्रालय में आई का ट्रीटमेंट होता है। हमारा जो ब्रह्मानंदा नारायण हॉस्पिटल है वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पे सारे जो स्पेशलिटीज़ के जो सुपर स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है। तो इस टाइप से यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनको फ़ायदा होगा कि अब उनको कंसल्टेशन के लिए बाकी दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे हर महीने और कंसल्टेशन देंगे, और उसके बाद किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी तो हम अपने हॉस्पिटल ब्रह्मानंदा जमशेदपुर में रेफर करेंगे। बेसिकली कार्डियोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, आपके चेस्ट जो मेडिसिन होता है पल्मोनोलॉजी है वो है, ये यूरोलॉजी है, ये बेसिक है। जो भी हमने देखा कि जहाँ जिस चीज़ की नीड ज़्यादा है, जिसके पेशेंट ज़्यादा हैं, तो उनके डॉक्टर्स हर महीने यहाँ पे आएंगे। कोयलांचल स्टील कामगार यूनियन एवं झारखंड यूथ इंटर के संयुक्त मीटिंग बालीडी औद्योगिक क्षेत्र में अब्दुल्ला अंसारी की अध्यक्षता में की गई। इस मीटिंग में यूथ इंटर के प्रदेश अध्यक्ष कुमार रवि चौबे मुख्य अतिथि। इस मीटिंग की शुरुआत दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देकर की गई। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों से जुड़े हुए मजदूर सैकड़ों की संख्या में इस बैठक में उपस्थित हुए। इस मौके पर मजदूरों को एकजुट होकर प्रबंधन के समक्ष अपनी मांगों को रखने पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर उद्योग को पूर्ण सहयोग करते हुए अपने हक के लिए हर तरह की लड़ाई के लिए रवि चौबे के नेतृत्व में आगे बढ़ने का सभी मजदूरों ने संकल्प लिया। अब बात शेयर मार्केट की। हमारे साथ हैं संजय कुमार जो कि पिछले 16 वर्षों से शेयर मार्केट की जानकारी रखते हैं और लगातार शेयर बाजार पर नजर रखते हैं। शेयर मार्केट के क्या हालात हैं, उस पर उनके क्या राय है, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आज निफ्टी ओपन हुआ 18,288 पे और निफ्टी ने हाई बनाया 18,431 का। निफ्टी का लो फिर बना 18,245 का और क्लोज हुआ 18,420 पे। निफ्टी मोटा मोटी एक करेक्शन फेज में है, लेकिन आज जो क्लोजिंग किया है निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग किया है। अगर निफ्टी कल इससे ऊपर निकल जाता है तो फिर से एक बार ऊपर के तरफ निकल जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है देख के कि जैसे एक बार निफ्टी 18,100 भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आज जो टॉप गेनर्स थे उसमें सुगर स्टॉक्स एक बार फिर कल की तरह आज भी टॉप गेनर्स रहे। डालमिया भारत 14%, उषा मार्टिन 11.6%, यूटीआई एएमसी 11.5%, धामपुर सुगर 11%, ओरिएंट ग्रीन पावर 14.5%। जो आज टॉप लूज़र थे उसमें ज़्यादातर बैंक थे लूज़र में, यूको बैंक 7.8%, महाराष्ट्र सीमलेस 7.5%, वेल्सपन इंडिया 4.5%, हिंदुस्तान फूड 4.2%, लेमन ट्री होटल 4.2%, दीपक फर्टिलाइजर 3.6%। ये सब लूज़ किया है इन लोगों ने। बाकी मार्केट मोटा मोटी ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है मार्केट में जैसा लग रहा है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बोकारो जमशेदपुर के समाचारों के लिए बने रहिए IDD News पर। नमस्कार।